हेलो गाइस, मेरा नाम किशन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही शानदार डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन जो आगरा होटल के हैं, आप देख सकते हो। पेंटिंग बनाते समय हमें एक फ़ोटो बूथ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख लो फ्रंट पर सामने वह एक फ़ोटो बूथ है जहाँ से टर्न होकर हम अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरह का कैसा भी आप फ़ोटो बूथ बना सकते हो जिसमें आप किसी भी भगवान की मूर्ति रख सकते हो या कोई भी साइकिल स्टैंड, या आप जैसे कि आप देख रहे हो या एक राउंड रिंग है जिसमें एक गणेश जी की मूर्ति है और एक साइकिल है और दोनों तरफों से इसमें एक तीन तीन डमरू हैं। इस तरह के आप फ़ोटो बूथ बना सकते हो जो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि एंट्री में जो कोई प्रवेश करता है तो उसे सामने फ्रंट पर जो नज़र आता है, ये टर्न होके थोड़ा बगल में आप देख सकते हो, इस तरह से एंट्री है अंदर जाने के लिए। और ऐसा आपको बनाना चाहिए रास्ते में जो बहुत ही शानदार और अच्छा लुक निकल के आता है। आप जैसे देख रहे हो बहुत ही अच्छा लुक है इसका। इस तरह का आप कोई भी फ़ोटो बूथ बना सकते हैं सेंटर पर सामने। और यहाँ इसमें पूरी रास्ता में गेंदे की लड़ी और सफ़ेद फूल का इस्तेमाल किया गया है और एक एक झूमर 15 फुट की दूरी पर लगाई गई है और हैंगिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें स्प्रे पता के पेड़ भी लगाए गए हैं। इस तरह के पेड़ अगर आप बनाना सीखना चाहते हो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और आप ये देख सकते हो, यह है आपका रैंप जो स्टेज के जस्ट सामने बनाया जाता है। इस तरह का रैंप बनाने के लिए कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें क्या बाई क्या का रैंप चाहिए और कितना बड़ा चाहिए। आप फ्रंट पर देख सकते हो यह स्टेज है, इसमें 5 राउंडिंग है स्टेज की जो एक गेट टाइप से है। बहुत ही यूनिक स्टेज है, इस तरह के आप स्टेज बना सकते हो। और इसमें हर एक गेट में आपको 4 बॉल नज़र आती हैं जो हैंगिंग की हुई हैं। यह शीशे की बॉल हैं जो मार्केट में आपको अच्छे प्राइस में मिल ही जाएंगी। आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।